पार्ट नंबर 71 यानी कि 71, ठीक है, पार्ट नंबर 71 में टेंस रिवाइज आप आपके लिए लेके आए हैं हम। अंदाजा लगाइए कौन सा होना चाहिए, पास्ट टेंस है, कौन सा है, पास्ट टेंस का जो है रिवाइज लेके आए हैं, ठीक है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस का मतलब सभी जानते हैं भूतकाल होता है, ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब सभी जानते हैं भूतकाल होता है, ठीक है, भूतकाल मतलब जो बातें बीत चुकी होती हैं, ठीक है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा था या मैं कल कानपुर गया था, ये बीती हुई बातें हैं, ठीक है, पिताजी कल मुझको पीट रहे थे, ये भी बीती हुई बातें हैं, भूल जाओ, है ना। तो ये पास्ट टेंस मतलब बीते हुई कुछ क्षण या कोई बीती हुई बात, ठीक है, यानी कि बीता हुआ समय, कैसा भी समय हो, बीता हुआ समय वो कहां चला जाता है, पास्ट टेंस। जैसे हम सेंटेंस कहे कि मोहन 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, ठीक है, या मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, मैं कल आगरा गया था, ठीक है, या गया, मैंने खाना खाया या खाया था, ठीक है, तो वो कहां है, पास्ट टेंस के वो सब सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको एक ट्रिक बताएं छोटी सी, पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, आपको हर सेंटेंस के लास्ट में था, थी, ठीक है, था थी थे, ये सब मिलेंगे, ठीक है, मैं बाजार जा रहा था, वे गीत गा रहे थे, ठीक, वहां खाना खा रही थी, था थी थे थे, ठीक है, यही सब मिलेंगे, था थी थे, ठीक है, या था थे थी लिखा हमने, ठीक है। तो ये वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में अवश्य मिलेंगे, कौन से, था थी थे, ठीक है, या फिर और देख लो, या फिर आपको मिलेंगे या ई या ए, हा नहीं है, ध्यान रखना है वर्ड नहीं है, अगर यहां पर आ जाए गए हैं, चली गई है, ठीक, खा लिया है, अगर है आ जाता है तब तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना, है नहीं है, ध्यान रखना है नहीं, अगर है होगा तो कहां चला जाएगा, फिर वो प्रेजेंट में चला जाएगा, हम पढ़ कौन सा रहे, पास्ट वाला, है नहीं है, अगर है होगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ या ई ये, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो सेंटेंस के आपको लास्ट में मिलेंगे, यानी कि बात के अंत में आपको ये शब्द अक्षर मिलेंगे, मतलब, ठीक है, कुछ अक्षर, अक्षर शब्द में थोड़ी है ना, ठीक है। तो पास्ट टेंस के लास्ट में ये आपको कुछ लेटर यानी कि शब्द अक्षर मिलेंगे, था थे थी, या फिर मिलेंगे या ई ए, या ई ये। अब या ई ए पे देखो, बोल दे मैं चला गया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैं कानपुर गया, ठीक है, उसने गीत गाया, या फिर वो चली गई, ठीक है, या वे चले गए, ठीक है, तो या फिर था थी थे, ये वर्ड आपको लास्ट में जरूर मिलेंगे, सॉरी ये लेटर आपको लास्ट में अच्छा जरूर मिलेंगे, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। सबसे पहला आपको लास्ट में वर्ड था थी थे या एकदम यही लिख लेंगे जो अभी हमने ऊपर लिखाया है, या ये ठीक है, या ये ठीक है, था थी थे या ये बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, कौन से, था थी थे या ये ठीक है। तो ये सेंटेंस कहाँ का होता है, आप लोग विचार कीजिए, कहाँ के हैं ये बताइए, विचार कीजिए, अभी हम बताएंगे, तब तक आप लोग विचार कीजिए, विचार करके सोचिए कहाँ का होना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ पहचान रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनो, नियम नहीं चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, पहचान, हर टेंस की पहचान आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, हर टेंस की पहचान रिवाइज हो रही, फिर रिवाइज होंगे रूल नियम, और फिर रिवाइज होंगे सेंटेंस, ठीक है, आपको ऐसे नहीं छोड़े, एकदम परफेक्ट परफेक्ट करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अगला है, ठीक है, रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे, ठीक है, इसका आप विचार कीजिए। तीसरा है,
चुका था या फिर चुके थे या फिर सॉरी यहाँ पे या था या फिर ये थे, ठीक है। चुका था, चुके थे, या था मतलब गया था, आया था, चला गया था, ये थे मतलब चले गए थे, आए थे, ठीक है, ऐसे वर्ड, ठीक है, ये थे, ठीक है, या था, ये थे, ठीक है। चौथा है रहा था या फिर रही थी या फिर, ठीक है, रहे थे और क्या दे रखा हो, और तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्या दे रखा हो, और समय, क्या दे रखा हो, और समय भी हो सेंटेंस में, क्या हो, समय भी हो, वो भी कौन सा, निश्चित अनिश्चित वाला, पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से एक बार देखिए, रहा था, रही थी, अगर रहे थे सिर्फ रहेंगे तो वो तो फिर ये तो एक ही जैसी हो जाएगी पहचान, एक जैसी पहचान नहीं है, इसमें क्या आ रहा है भाई, नई चीज क्या है, टाइम, समय है, अलग चीज क्या है इसमें, समय है, और ज्यादातर लास्ट वाले टेंस में समय तो रहता ही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला था, थी, थे, या, ये, ठीक है, ये होता है पीआईटी, पीआईटी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर पी फोर प्रेजेंट समझने की गलती मत करना प्यारे तेजस्वी विद्यार्थियों, ठीक है, यहां पर पी फोर क्या होना चाहिए, पास्ट, क्या होना चाहिए, पास्ट, क्योंकि हम पहचान कौन सी पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस की, चाहो तो यहां पर आप पहचान बना सकते हो अपनी तरफ से, उसका पी वन मान लो, इसका पी टू रख लो, ठीक है, उसका पी वन मान लेना, इसका पी टू रख लेना, अगर आप कॉपी पर नोट करते हैं, विधिवत आप क्लास चला रहे हैं, कॉपी पर नोट कर रहे हैं, ठीक, तो अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, पी वन पी टू पहचानने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, पी वन हो जाएगा प्रेजेंट के लिए और पी टू हो जाएगा पास्ट के लिए। हाँ, फिर से देखिए, ये जो पहचान है या सॉरी था, थी, थे, या, ये पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, फिर ये वाली रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है पीसीटी यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। फिर अगला है चुका था, चुके थे, या था, ये थे, चला गया था, आए थे, है ना, ऐसे बनेंगे, ठीक, ये होती है पीपीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये तो आप जानते हैं रहा था, रही थी के साथ में क्या दे रखा, टाइम, तो ये हो जाएगा पीपीसीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए, सबसे पहली बात, ये पार्ट नंबर 71 में आज आपके लिए लेके आया है पास्ट टेंस की पहचान, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस यहाँ पे पी फोर पास्ट ही होगा, पास्ट समझना, प्रेजेंट समझने की गलती मत करना, क्योंकि पास्ट बता रहे हैं, ठीक है, इसकी मेन पहचान तो ये है कि लास्ट में आपको था, थी, थी, थे, जो भी, या, ये लेटर यानी कि अक्षर आपको जरूर मिलेंगे। तो पहला टेंस इसका है था, थी, थे, या, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पीआईटी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगला है रहा था, रही थी, रहे थे, ये किसका है, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि इसको हम पीसीटी भी लिख सकते हैं। अगला देखो, चुका था, चुके थे, या था, ये थे, चले गए थे, आ गया था, ठीक, जो भी, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पीपीटी भी लिख सकते हैं। रहा था, रही थे, रहे थे के साथ में नई चीज क्या दे रखी है, टाइम, तो ये चला गया कहां, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि इसको हम पीपीसीटी भी लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 72 में फ्यूचर की पहचान बताएंगे, फिर आपको नियम बताएंगे, और समझ जाते होगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कोई समझने में दिक्कत रहती होगी, कोई डाउट रहता होगा, इसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया, और लाइक कर दिया करो, आप लोग भूल जाते हो, लाइक तो पहले कर दिया करो, धन्यवाद।